हाय लीडर्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? बोर्ड में बिल्कुल समझ पा रहा हूं कि हम एक ऐसे बिजनेस के अंदर हैं जो बहुत ही हॉली है, बहुत ऐसा बिजनेस है जिसके बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि एक दूसरे की मदद किए बिना, एक दूसरे को साथ लेके चले बिना, एक दूसरे को ऊपर उठाए बिना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट किए बिना, एक दूसरे का मान सम्मान किए बिना इस बिजनेस को बिल्ड नहीं किया जा सकता। इस बिजनेस को बिल्ड करने की पहली जो कंडीशन है वो ये है कि आपको किसी को अप्रिशिएट करना आना चाहिए, आपको किसी की तारीफ करनी आनी चाहिए। चाहे वो आपका प्रोडक्ट हो, आपको उसकी तारीफ करनी आनी चाहिए। चाहे वो आपकी अपलाइन है, आपको उसकी तारीफ करनी आनी चाहिए। चाहे वो आपकी कंपनी है, आपको उसकी तारीफ करनी आनी चाहिए। चाहे वो आपकी डाउनलाइन है, आपको उसकी तारीफ करनी आनी चाहिए। चाहे वो इंडस्ट्री में कुछ भी अच्छा हो रहा है, आपको उसकी तारीफ करनी आनी। एप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आज की दुनिया में अगर सबसे बड़ी जो कमी देखता हूं वो कमी यही है, कंपटीशन के दौर में लोग तारीफ करना भूल गए हैं, लोग अच्छे को अच्छा कहना भूल गए हैं, लोग पता नहीं क्यों इतने कंपटीशन में इनसिक्योर हो गए हैं कि सही को सही, गलत को गलत कहना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। और मेरा मानना यह है कि डायरेक्ट सेलिंग डे बाय डे, ईयर ऑन ईयर ग्रो करने वाली है और कर ही रही है, पिछले 25 सालों से लगातार ग्रो कर रही है। और इसमें अगर आप ये देखेंगे ना कि कौन कौन लीडर कामयाब हैं, जो लगातार कामयाब हैं, लंबे अरसे से कामयाब हैं, हर बार कामयाब हैं, अगर उन्होंने कोई कंपनी भी बदली है तो भी उसके बाद कामयाब हैं, तो वो वही लोग हैं जो अपनी टीम को अप्रिशिएट करना जानते हैं, रिकग्निशन देना जानते हैं, रिवॉर्ड देना जानते हैं, अवार्ड देना जानते हैं। बड़े बड़े इवेंट होते हैं, मीटिंग होती है, सेमिनार होते हैं, वो आपको लोगों को इंट्रोड्यूस कराने के लिए होते हैं कि आपकी टीम कैसी है, आपका अपलाइन कैसा है, आपकी कंपनी कैसी है, आपके प्रोडक्ट कैसे हैं, आपकी मैनेजमेंट कैसी है। वो सबको इंट्रोड्यूस कराने के लिए इतने बड़े बड़े इवेंट प्लान किए जाते हैं। इवेंट की अहमियत सिर्फ इसलिए है कि दुनिया को ये बताया जा सके कि आप में क्या अच्छा है, आपका प्लान क्यों अच्छा है, आपका प्रोडक्ट क्यों अच्छा है, आपकी अपलाइन क्यों अच्छी है, आपकी डाउनलाइन क्यों अच्छी है, बिजनेस मॉडल क्यों अच्छा है। यानी कि एक चीज आप समझ लीजिए, इस बिजनेस का सबसे बड़ा आधार अगर कोई चीज है तो वो है एप्रिसिएशन, रिकग्निशन, तारीफ करना आना चाहिए, लोगों को आप प्रेजेंट कर पाए कि आपकी टीम में कौन कौन बेहतर प्लेयर है, आपकी अपलाइन में कौन कौन अच्छा है, आपकी डाउनलाइन में कौन कौन अच्छा है, आपकी कंपनी में कौन कौन अच्छा है, इस इंडस्ट्री में कौन कौन अच्छा है, वो सब आपको पता होना चाहिए। उसको प्रेजेंट करने को ही आप कह सकते हैं ये बिजनेस का बेस है, फंडामेंटल है। ये बिजनेस जब तक आप किसी को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, किसी को आगे नहीं बढ़ाएंगे, किसी को दुनिया को नहीं दिखाएंगे कि ये क्या कर रहा है, तब तक ये बिजनेस ग्रो करने वाला नहीं है। और मैं अक्सर मानता हूं, बहुत बार मैं उन लोगों को देखता हूं, बहुत बार मैं लोगों को करता हूं कि वन थिंग जो वो हमेशा लैक करते हैं वो ये है, बस आप प्रमोट हो जाओ, आप अपने आप की तारीफ करते रहो, ना सिस्टम की तारीफ करते हैं, ना प्लान की तारीफ करते हैं, ना प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं, ना अपलाइन की तारीफ करते हैं, ना डाउनलाइन की तारीफ करते हैं, ना इंडस्ट्री की तारीफ करते हैं, सिर्फ अपनी तारीफ चाहते हैं। तो जो लोग सेल्फ सेंट्रिक हो जाएंगे वो इस इंडस्ट्री में कहीं खो जाएंगे। ये हाथ पकड़ के आगे लेके आने का बिजनेस। और मैं बहुत कम शब्दों में एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, आपको किसी से डर लगता है, आपको लगता है वो आपसे बड़ा हो जाएगा, आपको कंपटीशन से डर लगता है, आपको किसी की तारीफ करने से डर लगता है कि वो अगर आपने उसको बहुत प्रमोट कर दिया तो वो आपको छोड़ के चला जाएगा, आपको किसी को आगे बढ़ाने से डर लगता है, तो बिलीव मी ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है। इनसिक्योर्ड लोगों के लिए इंडस्ट्री नहीं है, लीडर जो है उसकी ये इंडस्ट्री है। लीडर कौन होता है? जो नीडर होता है, जिसको कभी डर नहीं लगता, जो इनसिक्योर नहीं होता, वही तो लीडर है। जो इनसिक्योरिटी से भरा हुआ हो, कुंद हो, जिसको लगे मुझे मौका नहीं मिल रहा है, मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, मुझे मौका मिल जाए तो मैं दुनिया बदल दूंगा, इसमें बुरा ही नहीं है। लेकिन वो मौका किसी को गिरा के अगर ढूंढ रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम है।
वो मौका अगर किसी को जिसको प्रमोट करना है उसका टाइम उसकी जगह आप लेके कर रहे हो तो इसमें गलत है। मैं हमेशा कहता हूं और मैंने हमेशा एक ही कोशिश की है इतने सालों में कि आपके साथ जो हैं उनको प्रमोट किया जाए। मेरे साथ बहुत सारे लीडर्स ने काम किया, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स ने काम किया, मैंने हमेशा उनको प्रमोट किया। और यही रीजन था कि मैं बहुत सक्सेसफुल रहा। मैंने वो हाइट्स इस इंडस्ट्री की देखी जो बहुत कम लोगों को देखनी नसीब होती हैं। मैंने वो सब कुछ, वो प्यार, वो अपनापन, वो समर्पण, वो अनकंडीशनल साथ देने वाली फीलिंग्स, वो सब सब मैंने महसूस की इतने सालों में इस इंडस्ट्री से जो मुझे मिली हैं। और मैं आज एक ही चीज कहना चाहूं, एक चीज कभी मत भूलना, वो है सामने वाले का हक देना, वो है किसी को हाथ पकड़ के आगे बढ़ाना, वो है किसी को जो आपको आता है सब कुछ सिखा देना बिना ये सोचे कि उसको सब कुछ आ गया, उसने आपको छोड़ दिया। तो मैं इससे बहुत बुरी लाइन बोलता हूं। मैंने कहीं एक जगह पढ़ा था, किसी ने कहा कि आपको जो कुछ आता है सब कुछ आप अपने एम्प्लॉयज को सिखा देते हैं, अगर ये आपका साथ छोड़ गए तो आंसर बहुत सिंपल था कि इन्होंने कुछ भी नहीं सीखा और ये मेरे साथ रहे तो नहीं छोड़ के जाते हैं। अगर आपके साथियों ने कुछ नहीं सीखा और वो आपके साथ रहते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप कभी जीतने वाली टीम ही नहीं बना पाओगे। आपका साथ छोड़ जाएंगे और आपको सिखाने की आदत है, आप नए को सिखा देंगे और नए को सिखा देंगे, नया जिस दिन आपके साथ टिक गया उस दिन के बाद आप इतिहास लिख देंगे। इनसिक्योर्ड लोगों के लिए डायरेक्ट सेलिंग कभी बनी ही नहीं है, नीचा दिखाने वाले लोगों के लिए डायरेक्ट सेलिंग कभी बनी ही नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग ऊंचा उठाने वाले लोगों के लिए बनी है, डायरेक्ट सेलिंग हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़ने वाले लोगों के लिए बनी है, डायरेक्ट सेलिंग जो कुछ आपको आता है उसे नीचे वाले को सिखाने के लिए बनी है। और मैं बहुत सिंपल अगर भाषा में बोलूं, आपको बहुत अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए, लेकिन जिस दिन आपको लगे कि जो आप सीख रहे हो, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रहा हूं, बीच में इस बात को छोड़ रहा हूं, कुछ एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं लाइफ में जो बहुत गरीब घर से आते हैं, बहुत गरीब घर से, और वो पढ़ने के लिए उनको शहर में एडमिशन कराना होता है पर माँ बाप इस काबिल नहीं होते कि वो उनकी फीस भर सकें, वो उनके स्कूल की फीस भर सकें, वो उनकी कॉलेज की फीस भर सकें, वो उनके होटल का, रूम का, मेस का बिल दे सकें। तो ऐसे में वो बच्चे खुद स्टैंड लेते हैं, वो जाते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं और फिर कहीं पे पार्ट टाइम जॉब करते हैं या ट्यूशन सिखाते हैं, किसी के घर पे जाके बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं, किसी सेंटर पे जाके पार्ट टाइम सिखाना शुरू कर देते हैं, पढ़ाना शुरू कर देते हैं। अगर इस जील को, इस जज्बे को, इस थॉट प्रोसेस को आप समझ गए ना, तो डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। डायरेक्ट सेलिंग ऐसे ही लोगों के लिए बिजनेस है जो कहीं सीखने जाते हैं, जितना सीख के आते हैं उसको आगे सिखाने लग जाते हैं। खड़ा होना, अपने पैरों पे खड़ा होना, सही समय पे खड़ा होना, ये तभी संभव है जब आप सीखें और सीखे हुए को अपने साथियों को सिखाएं। हर मीटिंग में, हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका जाना, आप किसी भी कंपनी से हैं, आप एक्स वाई जेड किसी भी कंपनी से हैं, पर रहना मेरे दोस्त उसी कंपनी में जिस कंपनी में एजुकेशन सिस्टम हो, रहना उसी कंपनी में जिस कंपनी में लोगों की कदर हो, रहना उसी कंपनी में जिस कंपनी में लगातार मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार होते हो, जहां पे लगातार मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार होते होंगे, जहां पे आपकी अपलाइन आपको सिखा पाएगी, आपकी कंपनी आपको सिखा पाएगी, जो आप नीचे सिखा पाओगे वहीं पे रहना। और इस ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर भी मैं हमेशा कहता हूं दो चीजें हमेशा मिलेंगी आपको, किसी भी कंपनी को एजुकेशन देना ही पड़ता है, कोई भी कंपनी हो, अच्छी कंपनी बुरी कंपनी, उसे कोई ना कोई इवेंट करना पड़ेगा, कोई ना कोई सेमिनार करना पड़ेगा, कोई ना कोई ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और इसमें बहुत सिंपल लाइन में बोलता हूं, उस कंपनी से संभलिएगा, बचिएगा जिस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ सपनों की बात होती है, बड़े पेआउट की बात होती है। हर उस कंपनी से बचिएगा जहां मोटिवेशन एजुकेशन और ट्रेनिंग को रिप्लेस कर देता है। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है,
कुछ भी करने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए, लेकिन कितना ही मोटिवेशन क्यों ना आ जाए, अगर आप ट्रेंड नहीं हैं तो आप कभी भी सही सक्सेस वाले रास्ते पर नहीं चल पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो आपको हायरार्की सिखाता हो, जो आपको प्रोटोकॉल सिखाता हो, जो सीनियर जूनियर का रिलेशन कैसा होता है वो सिखाता हो, डाउनलाइन अपलाइन पैरेलल्स के साथ प्यार कैसा होना चाहिए वो सिखाता है, एक दूसरे की मदद करना सिखाता है, एजुकेशन पे ज्यादा फोकस होता है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस होता है, बिजनेस करने के एटिकेट्स पे, कार्डिनल रूल्स पे, बिजनेस स्टेप्स पे, मतलब जहां पे ट्रेनिंग और मोटिवेशन का बैलेंस होता हो वही एक सही कंपनी में कह सकता हूं होती है। जहां प्रोडक्ट सही हो, एजुकेशन सही हो, पैटर्न सही हो, इंटेंशन सही हो, और उसके बाद सबसे बड़ी इंटेंशन मैनेजमेंट की होनी चाहिए आपको लेके आगे बढ़ने की, आपको कामयाब बनाने की, आपको सक्सेसफुल देखने की, और आपके साथ बैठ के भी जब वो आपको ये बोले कि आपको आगे लोगों को सिखाना है, समझाना है, आपको लोगों को आगे बढ़ाना है, एप्रिशिएट करना सीखना है, आपको एक दूसरे को साथ में लेके चलना सीखना है हर सुख में दुख में, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं किसी भी काम को आप करोगे ना ऐसा नहीं हो सकता जैसे रिजल्ट आप चाहते हो सिर्फ वैसे ही रिजल्ट आए। बहुत बार ऐसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे जो आपने कभी सोचे ही नहीं होंगे पर बन जाएंगे। जैसे पांच महीने पहले मेरी लाइफ में एक ऐसा सर्कमस्टांसेस बन गया जिसके बारे में शायद मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, लेकिन उससे आप कितने मैच्योरिटी से हैंडल करते हैं, उसे कितने खुले दिल से आप एक्सेप्ट करते हैं कि ये हो गया। मैं हमेशा कहता हूं हीरो, मैं इस इंडस्ट्री में बहुत बार लोगों को देखता हूं कि वो हीरो बन जाते हैं और उसके बाद जीरो बन जाते हैं, लेकिन वो अंदर से अपने आप को हीरो ही मानते रहते हैं और इतने इगोइस्ट हो जाते हैं कि उन्हें हर कोई अपने से छोटा लगता है और सहज सहज करके उनका हीरोइज्म भी खत्म हो जाता है और उनका करियर भी खत्म हो जाता है और सिर्फ बातें उनके पास रह जाती हैं और फिर एक दिन लोग फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। ऐसे लोग जीरो हो गए हो तो स्वीकार करो। जैसे आज अगर मेरे से कोई पूछे कि भैया क्या स्टेटस है आपका, मैं कहता हूं आई एम जीरो, बिग जीरो, मैं अगर आज आप मेरे से बात करोगे तो मुझे लगता है कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं जहां पे खड़ा हूं वो जगह नहीं है जहां पे लोगों को ये कहा जाता है कि इंडस्ट्री में बहुत कामयाब है, मैं उस जगह खड़ा हूं जहां से ये कहा जा सकता है कि आदमी इंडस्ट्री में बहुत कामयाब था। जब था और है में अंतर हो जाए तो था को छोड़ देना चाहिए, मैं आज था को छोड़ चुका हूं। मैं क्या था, क्यों था, कैसे किया, क्या अच्छे काम किए, कितने अच्छे लोग मिले, किस किसने साथ दिया, कैसा समय रहा, कितना अच्छा समय था, परमात्मा की कितनी अच्छी कृपा हुई, वो सब अच्छा अच्छा मुझे याद है। मुझे बिल्कुल याद नहीं है किसने धोखा दिया, मुझे बिल्कुल याद नहीं है कौन साथ छोड़ गया, मुझे बिल्कुल याद नहीं है किसके कारण ऐसा हुआ, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। मुझे आज सब अच्छे लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैंने मान लिया आज मैं वहां नहीं हूं जहां से मैं अलग तरीके से चीजों को देखता था, आज मुझे फिर से बड़ा होना है, आज मुझे फिर से खड़ा होना है, तो मुझे सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरी जर्नी फिर से शुरू हो रही है, मैं फिर से जीरो हूं, मैं फिर से जीरो से हीरो बनने के जर्नी पे निकलूंगा, कैसे निकलूंगा, क्या करूंगा, कब करूंगा, कैसे होगा, एवरीथिंग इज सेकेंडरी, प्राइमरी क्या है, प्राइमरी यह है क्या मैंने रियलाइज किया मेरी आज की पोजीशन क्या है। जब आप रियलाइज कर लेते हो ना चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं। एक्सेप्ट करो, और मैं हमेशा कहता हूं जब आप एक्सेप्ट करोगे ना तो आप माफ भी कर दोगे, और जब आप माफ कर दोगे ना तो फिर आप किसी की तारीफ करना फिर से सीख जाओगे, फिर किसी को बड़ा बनाना सीख जाओगे। बहुत सारे लोगों को लगता होगा यार वो छोड़ गया, ये छोड़ गया, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, ये हो गया, राजनीति हो गई, अब आगे से किसी पे भरोसा नहीं करूंगा, अब आगे से किसी को साथ लेके नहीं चलूंगा। अगर ऐसा कभी भी आप लाइफ में सोचोगे ना दोस्त, तो ये समझ लेना उसके बाद से आपका पतन शुरू हो गया है, क्योंकि ये वो इंडस्ट्री नहीं है। आप किसी भी कंपनी में कहीं पे भी हैं, कितने ही धोखे खा जाओ, कितनी बारी गिर जाओ, कितनी बारी हार जाओ, कितने ही लोग तुम्हारा साथ छोड़ जाएं, कितने ही अपलाइन तुम्हारे को जो प्रॉमिस करें वो पूरा ना करें, कितनी डाउनलाइन जो तुम उम्मीद करो उस उम्मीद पे पूरी ना उतरे, उसके बाद भी तुम्हें नए लोगों के साथ, पुराने लोगों के साथ मिलके उन्हें बेहतर बनाना है, उनको ट्रेन करना है, खुद ट्रेन होना है, अपने ऊपर काम करना है, लोगों के ऊपर काम करना है, लोगों का साथ देना है, लोगों को आगे लेके बढ़ना है। आप कौन है, कहां
कहां से आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किधर जाना चाहते हैं और किस एटीट्यूड से जाना चाहते हैं और किस कल्चर को लेकर चलना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल समझिए, इट्स योर लाइफ, यू हैव ऑल द राइट्स टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन। पर अगर आप डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप तारीफ करना नहीं सीख जाते, लोगों को आगे बढ़ाना नहीं सीख जाते, लोगों के सुख दुख में काम आना नहीं सीख जाते, लोगों को साथ लेके चलना नहीं सीख जाते, किसी के साथ चलना नहीं सीख जाते, तब तक आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो इस बिजनेस में एक चीज आपको दुनिया से हटके करनी पड़ेगी, वो है कंपटीशन की जगह एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे को हाथ पकड़ के चलना, एक दूसरे को नीचे दबाने के बजाय, नीचे दिखाने के बजाय उसको आगे बढ़ाना, उसको सिखाना जो आपको आता है। इनसिक्योरिटी और नेटवर्क मार्केटिंग नेवर गो टुगेदर। इनसिक्योरिटी और डायरेक्ट सेलिंग एक साथ नहीं चलते हैं कभी, इन दोनों में से एक ही चल सकता है, या तो इनसिक्योरिटी चलेगा या डायरेक्ट सेलिंग चलेगा। डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ कॉन्फिडेंट लोगों का, लीडर्स लोगों का बिजनेस है। लीडर और कॉन्फिडेंट जब भी कोई होगा वो किसी को दबाने की कोशिश नहीं करेगा, वो किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगा, वो उसे आगे बढ़ाएगा, चाहे वो उसकी कंपनी में है चाहे वो कहीं और है, वो उसे साथ लेके चलेगा, वो कहीं पे भी है वो उसे सिखाएगा जो उसे आता है। आप एक ही चीज को समझिएगा और वो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, खुद के ऊपर भरोसा करना सीखिए। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं दूसरों पे भरोसा तो कर लूं लेकिन हर बार धोखा मिलता है, कैसे कर लूं सर? तो मैं एक ही लाइन बोलता हूं, खुद पे भरोसा करना जिस दिन सीख जाओगे उस दिन किसी और से डर लगना बंद हो जाएगा। सिंपल मेथड है, एक ही दवाई है इस बीमारी की और वो दवाई ये है, खुद पे भरोसा करो। जिस दिन तुम्हें ये भरोसा हो जाएगा कि तुम किसी के बिना भी कामयाब हो सकते हो, जिस दिन तुम्हें भरोसा हो जाएगा कोई तुम्हारा साथ छोड़ जाए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम काबिल आदमी हो, तुम में काबिलियत हो, तुम अकेले इतिहास लिख सकते हो, मेरे दोस्त उस दिन के बाद किसी के छोड़ जाने का डर आपके जहन से खत्म हो जाएगा। और जिस दिन ये डर खत्म हो गया उस दिन आप एक बेहतरीन टीम बनाओगे। लेकिन भरोसा कब होगा? जब खुद पे काम करोगे, जब ट्रेनिंग लोगे, जब माइंडसेट प्रिपेयर करोगे, जब कल्चर में रहोगे, जब लोगों के बीच में रहोगे, जब आपको गिर के उठने में मजा आएगा। जब तक आपको गिरने से डर लगता है ना आप लीडर नहीं बनते हो, जब आप गिर के फिर उठने की ठान लेते हो तो आप लीडर बनते हो। जब आपको गिरने में और उठने में मजा आने लग जाएगा आप लीडर बन जाओगे, नीडर बन जाओगे। जिस दिन आप लीडर और नीडर बन गए, खुद पे भरोसा हो गया, उस दिन के बाद लोग तुम्हारा साथ देंगे। और कोई नहीं भी देगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नए लोग आ जाएंगे तुम्हारा साथ देने के लिए, पुराने लोग आ जाएंगे तुम्हारा साथ देने के लिए। तुम कहां हो, तुम नई कंपनी में हो, तुम पुरानी कंपनी में हो, तुम कंपटीशन की कंपनी में चले गए हो, मेरे दोस्तों जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया मैं उनको सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, दुनिया में कहीं पे भी रहना लेकिन मुझे गर्व हो ऐसा काम करना, मैं प्राउड फील कर सकूं ऐसा काम करना, ऐसा काम करना मैं गर्व से कह सकूं कि ये मेरे साथी थे और मुझे तभी मजा आएगा। बी ब्रेव, बी लीडर, बी फियरलेस, बी कॉन्फिडेंट इनफ। सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को साथ लेके चलना इस बिजनेस में कामयाब होने की पहली शर्त है। लोगों का साथ देना इस बिजनेस में कामयाब होने की पहली शर्त है। लोगों की तारीफ करना, उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको अप्रिशिएट करना, उनको अवार्ड ले जाना, उनको स्टेज पे ले जाना, उनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में। और इसी पे चलिए, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। इनसिक्योर मत होना, जो आप लोगों के साथ अतीत में हुआ है उसको जहन में डाल के अपने आप को एक डरा हुआ इंसान मत बनाना। ये छोड़ गया, वो छोड़ गया, या ये कंपनी छोड़ गया, या वो पिछली में वापस चला गया, या इधर हो गया या उधर हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस दुनिया में हर लीडर को कामयाब होने का अधिकार है, हर आदमी को अपना फैसला लेने का अधिकार है। वो तुम्हारा साथी था, छोड़ के चला गया तो भी तुम्हारा साथी था, वहीं रह गया तो भी तुम्हारा साथी था, कहीं और चला गया तो भी तुम्हारा साथी था। तुम्हारा साथी तुम्हारी रिस्पेक्ट करे वैसा करेक्टर तुम्हारा होना चाहिए।
वो करेक्टर तुम्हें डेवलप करना है, और वो करेक्टर उसी दिन डेवलप हो जाएगा जिस दिन तुम फियरलेस हो जाओगे, जिस दिन तुम नीडर बन जाओगे, जिस दिन तुम लीडर बन जाओगे, जिस दिन तुम कॉन्फिडेंट हो जाओगे, जिस दिन तुम दूसरे को अप्रिशिएट करना सीख जाओगे, जिस दिन उसकी तारीफ करना सीख जाओगे, जिस दिन उसे साथ लेके चलना सीख जाओगे, जिस दिन उसकी बाजू पकड़ के उसको ये कहना सीख जाओगे, मेरे भाई तुम कमाल कर रहे हो, जो भी कर रहे हो पूरे दिल से करो, पूरी शिद्दत से करो, उस दिन के बाद अलग से फीलिंग आएगी। बी ब्रेव, बी लीडर। और डायरेक्ट सेलिंग इसके अलावा किसी और बेस पे टिकी हुई नहीं है। लोगों का बिजनेस है, लोगों के लिए बिजनेस है, लोगों के द्वारा किया जाने वाला बिजनेस है, और लोगों का बिजनेस, लोगों के द्वारा किया जाने वाला बिजनेस लोगों के फायदे के लिए ही होना चाहिए। जब इस इंटेंशन के साथ आप अपने बिजनेस को करोगे तो हमेशा नई हाइट्स आपको मिलेंगी। और इसी के साथ एक ही चीज कहूंगा, अपनी टीम में अपनी अपलाइन को, अपनी कंपनी को, अपने प्रोडक्ट को, अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करो कि लोग उसे एक्सेप्ट करें और लोग आप जैसा बनना चाहें, आपके प्रोडक्ट यूज करना चाहें, आपकी कंपनी के बारे में बातें करना चाहें, आपके प्लान के बारे में बातें करना चाहें, आपके कल्चर के बारे में बातें करना चाहें, आपके एजुकेशन के बारे में बातें करना चाहें, आपके अचीवमेंट्स के बारे में बातें करना चाहें। ऐसे बनो, और जिस दिन आपने ये ठान लिया ना, उस दिन के बाद आप इस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा चेहरा होंगे। किसी कंपनी का नहीं, इस इंडस्ट्री का। बहुत अंतर है किसी कंपनी का चेहरा होने में और इंडस्ट्री का चेहरा होने में। कंपनी का चेहरा हर तरह के लोग बन सकते हैं, पर इंडस्ट्री का चेहरा वही लोग बनते हैं जो सबको साथ लेके चलते हैं, जो मदद करना जानते हैं, जो तारीफ करना जानते हैं, जो अप्रिशिएट करना जानते हैं। तो बी द फेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, बी गुड इनफ सो दैट पीपल विल एक्सेप्ट यू एज अ लीडर। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।